स्वामी विवेकानंद केंद्र का, और बहुत आभारी हूँ हमारे आदरणीय गुमास्ता जी का, आदरणीय हमारी ज्ञानेश्वरी दीदी जी का, आदरणीय हमारे नरेश ग्रोवर जी का, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सारे संगठन लगे, बहुत सारे युवा साथी लगे, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। जैसे कि हमारे ब्रह्मर्षि मिशन समिति, पंजाबी महासंघ जबलपुर, राष्ट्रीय हिंदू संगठन, हिंदू धर्म सेवा, राष्ट्रवादी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू महासंघ जबलपुर, टाइगर हिंदू फोर्स जबलपुर, टाइगर सेना जबलपुर, और अब माँ भवानी परिवार जबलपुर, हिंदू धर्म सेवा परिषद जबलपुर, सनातन धर्म महासभा यूथ, पंजाबी हिंदू यूथ क्लब। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन सभी संस्थाओं का, कुछ जो धर्म के क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, अग्रणी अपना योगदान दे रही हैं। मैं बहुत आभारी हमारे आदरणीय अंकित ग्रोवर जी का, जिन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर कार्य किया है, और बहुत हनुमान चालीसा को लेकर के, ऐसे वर्ग तक वो हनुमान चालीसा को लेकर के जा रहे हैं, जो लोग कहा जाता है कि धर्म से वंचित, उन लोगों तक यह हनुमान चालीसा को लेकर के जा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ अंकित ग्रोवर जी का, और इनका भी संगठन है टाइगर सेना, वो टाइगर सेना बहुत बढ़िया काम कर रही, योगेश जी और ये सब लोग मिलकर के साथ में। हमारी आदरणीय लता दीदी हैं, वो अभी गई हैं, लेकिन वो भी संन्यास लेने वाली हैं, तो उनका भी संन्यास कराने वाले हैं। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूँ। हम यहाँ पर उपस्थित हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में, और उनके द्वारा किए गए रचित सभी कार्यों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, सुन के यहाँ पर सुनकर के बाहर निकलते ही भूल जाने के, इसके लिए आए क्या बताइए ना। अच्छा, तो फिर इससे पहले कभी हम कोई सभा में गए, कथा में गए, तो उन चीजों को हमने आत्मसात किया। मैं आपने भी किया। हुआ क्या है हमारे देश को कि आज इस स्थिति में देश पहुंच गया है कि वो मोबाइल में बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट का बनाते हैं उसको, हाँ, रील की इतनी ढील दे दी लोगों ने कि एक पत्नी ने अपने पति का गला काट दिया, और रील उसके पति ने बोला कि रील बना पर कपड़े तो मत उतार, तो उसने उसका गला काट दिया पति का। ये अभी की घटना है, या मैं फ्लाइट में बैठ रहे थे उसके पहले का घटना है। एक बेटे ने माँ का मर्डर कर दिया, और माँ कमिश्नर थी मुंबई में। माँ क्या थी, क्या थी, उसका बेटे ने मर्डर कर दिया। क्यों? उसकी माँ ने उसको आईफोन नहीं दिया, तो क्या कर दिया उसने? ये सब क्यों हो रहा पता है? ये सब हो रहा है क्योंकि हमने हमारी शिक्षा में धर्म को आत्मसात होने के लिए क्या करा बताओ ना, होने नहीं दिया, धर्म को शिक्षा में नहीं लाया। क्या पढ़ा है? तो गा से गणेश हटा के गा से गधा, यही पढ़ा है ना। डी से डॉग पढ़ा दिया, सी से कैट पढ़ा दिया, तो कुत्ते और बिल्ली वाला देश हमारा देश बन गया। जिन लोगों ने इस देश की राजनीति में 70 वर्ष तक घुन की तरीके से लग करके शिक्षा का नाश किया, शिक्षा से धर्म को हटाया, उनके पापों का सजा आज। ये जो मर्डर हो रहे हैं, ये जो रील पर अश्लीलता, ये जो कामुकता, ये जो वासनांध समाज बना दिया गया, इसका मुख्य कारण है, क्या है मुख्य कारण? शिक्षा में धर्म का ना होना। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, तो वहां के विद्वान, ईसाई विद्वानों ने कहा था, मीटिंग बुला करके, आपस में मीटिंग रखी चर्च में, और मीटिंग बुला कर कहा कि क्यों, तुम तो कह रहे थे कि अपन इस देश को 100 साल में अपने अंडर में ले लेंगे, और बोले ये एक सन्यासी है,
इसके देश को आप बोल रहे हैं कि 100 साल में अपने अंडर में ले लेंगे, इस देश को 10,000 साल भी कितने ही पादरी छोड़ दोगे तो भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये वहां की चर्च में बातें हुई है, कहां पर और ये कब की बातें बोल रहा हूं, कब की बोल रहा हूं मैं, आज से कितने साल पहले, कितने साल पहले, 200 साल नहीं, 130 साल पहले की ये घटनाएं हैं। 130 साल पहले वहां पर पादरी लोग ये चर्चाएं करते थे चर्च में बैठ करके, तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना। और जब स्वामी जी अमेरिका गए उस समय हमारा देश अंधविश्वासों में, पाखंड में, धर्म में अंधविश्वास और पाखंड की कहीं जगह नहीं है हमारे यहां, मजहबों में, कल्ट में, इनमें आडंबर, ढोंग, पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है। हमारा धर्म हमारी आंखें क्या करता है, खोलता है, ज्ञान चक्षु खोल देता है। एक तो आंखें होती है ये, और एक होती है मस्तिष्क के अंदर ज्ञान चक्षु जिसे कहा जाता है, वो ज्ञान चक्षु हमारे धर्म खोल देता है। इसीलिए तो हमारा देश क्या कहा गया था, विश्व गुरु, क्या कहा गया था। आप बोलेंगे क्या स्वामी जी, कौन सा विश्व गुरु, करोड़ों केस चल रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, दंगे हो रहे, फसाद हो रहे, ऐसा देश क्या विश्व गुरु हो सकता है, जिस देश के अंदर जातियों के नाम पर बर्बरता हो रही है, क्या वो देश विश्व गुरु हो सकता है, ऐसा पूछते हैं। कौन कौन पूछते हैं, कम्युनिस्ट पत्रकार, मार्क्सवादी लोग, ये लोगों के दिमाग के अंदर एक पूरा का पूरा छवि बनाया गया हिंदू धर्म का, साजिशन, और वही छवि को तोड़ने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने, और उसी पूरे उनके जीवन के आदर्श को, उनके जीवन में बताई गई बातों को अगर पूरा भारत और भारतीय समाज अपने अंदर आत्मसात कर ले तो इस भारत को विश्व गुरु बनने में टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस कल्चर को अपना रहे हैं जो कल्चर हमें कहां तक लेकर के जाएगा, मर्डर, मास किलिंग, इस तक लेकर के जाएगा। क्योंकि आप अगर न्यूज देखते हैं तो अभी 6 महीने नहीं, 6-7 भी नहीं, पम्मा दादा कुटा है, अभी 2 महीने पहले का घटना है, हम कहीं मुंबई में थे तो उस टाइम पर हम न्यूज देख रहे थे, तो एक लड़के ने स्कूल में कॉलेज में जाकर के अमेरिका में 22 लोगों का मर्डर कर दिया गन ले जाकर के, और ये अमेरिका में आम घटना है कि स्कूलों में जाकर के हत्याएं कर देना, जबकि अमेरिका को क्या कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या देश है, धनाढ्य किंग बनता है वो अपने आप को, लेकिन वहां का स्टूडेंट क्या करता है, कॉलेजों में स्कूलों में जाकर के मास किलिंग करता है। उनके यहां पर स्तर मानवता का क्या है, शून्य, क्या है। हमारे यहां पर कोरोना काल में क्या हुआ, एक दूसरे की सहायता करें, यहीं पर नरेश ग्रोवर जी हैं, अखिलेश जी हैं, पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी है, इन्होंने कोरोना काल में, मैं यही का बता रहा, पूरे देश में हुआ, विश्व में भारतीय लोगों ने मदद किया, लेकिन जबलपुर के अंदर इन्होंने कितना काम किया, अपनी जान पर खेल करके लोगों का मदद किया। लेकिन विश्व के अनेकों देशों में कोरोना को व्यापार बना करके और कमाई की गई, हमारे यहाँ पर सैनिटाइजर फ्री दिए गए, ये जो फ्री देने की है यह क्या है, यही तो हमारा धर्म सिखाता है, मानवता, विश्व बंधुत्व की भावना, इसी मानवता को कहते हैं, कि पतंगों से लेकर के किसी भी प्रकृति के किसी भी अंग को अनावश्यक छेड़ना नहीं, परेशान नहीं करना, यह हमारा धर्म सिखाता है, और यही भरा पड़ा है हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, लेकिन ग्रंथ तो बंद है नहीं। अच्छा हाथ खड़े करो, कितने लोगों के घर में भेद है, देखो क्वांटिटी देख लो,
कितने लोग यहां पर बैठे होंगे, उनमें से प्रतिशत निकालेंगे तो माइनस में निकलेगा। वेद, वेद जो पुस्तक है वो हमारे धर्म का क्या है, क्या है, और वो आधार तो है ही नहीं लोगों के घर में, है क्या? तो जब हम वेद नहीं पढ़ेंगे तो हमें हमारे धर्म का क्या नहीं होगा? फिर कोई भी आएगा आपको मूर्ख बनाएगा। आपको मूर्ख कैसे बनाएगा? वो आएगा आपके धर्म के प्रति, आपके सामने बैठ करके आपके धर्म को अपमानित करेगा। चूंकि आप तो पढ़े नहीं तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ ऐसा लिखा है, अच्छा ऐसा भी लिखा है, ओहो हमारे धर्म में महिलाओं पे अत्याचार लिखे, वेदों में महिलाओं पे अत्याचार लिखे, और आप चुपचाप बैठ करके सुनते रहोगे आंखें मूंद करके और अपने आप को अंदर से कुंठित करके और चुपचाप रह जाओगे, जबकि वेदों में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार, मातृशक्ति पर अत्याचार का जिक्र तक नहीं है, अपितु वेदों में बहुत सारी विदुषियों के जिक्र हैं, उपनिषदों के तो बहुत सारे रचनाएं ही मातृशक्ति ने किया है। यहां पर बैठी हमारी मैत्रेय साध्वी जी, तो ये सब उस समय की विदुषियों के नाम थे, वेद विदुषियों के। जब दुनिया के अंदर लाखों लाखों स्त्रियों को, क्या डॉक्टर साहब, लाखों स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था, और इस जिंदा जलाने की प्रथा को कहते थे विच हंटिंग। क्या कहते थे? महिलाओं को इकट्ठी करते, पेड़ से बांधते या मैदान में इकट्ठी करके उनको ज्वलन ज्वलंत जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उससे उनको जला दिया जाता था। ये सैकड़ों सालों तक हुआ है उन जगह पर जिनके कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना गया, और वही लोग फंडिंग दे करके भारत के सनातन की नींव को कमजोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को अपमानित करने का हमारे मन में ग्लानी भाव, कह रहे रे हमारे ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। एक स्मृतियों के नाम पर हमारे देश के अंदर झूठ फैलाया गया, प्रपंच फैलाया गया, संहिताओं के नाम पर हमारे देश में झूठ फैलाया गया, प्रपंच फैलाया गया, षड्यंत्र किए गए। हमारे देश के अंदर कई सारे दार्शनिक आए, कितने दार्शनिक आए होंगे, लाखों दार्शनिक आए होंगे, मैं तो कहूंगा करोड़ों दार्शनिक आए होंगे, लेकिन करोड़ों का डाटाबेस नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ हजारों के डाटाबेस हमारे पास मौजूद है, और मेरी लाइब्रेरी में ऐसे कम से कम 700 से अधिक दार्शनिकों के लेटर्स हैं, पुस्तकें हैं, उनका लिखित डाटा है। 1000 साल पहले एक दार्शनिक आकर के कहता है, जब भारत में पहला हमला होने लगा था, नालंदा में आग लगाई गई थी, उस टाइम पर एक विद्वान हमारे देश में आया, और वो विद्वान अपनी किताब में लिखता है कि ऐसा देश मैंने नहीं देखा, ऐसा सुंदर और भव्य देश मैंने नहीं देखा जहां आक्रांताओं के आने के बाद भी आक्रांताओं की विचारधारा से द्वेष नहीं किया जा रहा। तो ये हमारी मानवता थी, और यही कारण रहा है कि भारत विश्व बंधुत्व के भाव को अपने अंदर उतारता है। तो वो भारत कभी भी जातियों के नाम पर भेदभाव करता होगा क्या? लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आने के बाद, उनके भारत पर कब्जा कर लेने के बाद, उन्होंने उनके तरीके से कैटेगरी वाइज कास्ट सिस्टम जो लेकर के आया, उसमें उन्होंने अपर लोअर इस प्रकार से कैटेगरियां बनाई, और उसी में हमारे देश को क्या करा, बांट दिया, काट दिया, छाट दिया। और यही आज भारत के लिए क्या बन गया है, क्या बन गया, अभिशाप। जो जख्म थे वो अब नासूर बन गए हैं, और यही हमें परेशान कर रहे हैं। हमें शत्रुओं से खतरा नहीं है, लेकिन हमारे घर के अंदर रह रहा हमारा ही परिवार का सदस्य अगर हमारे ही विचारों को अपमानित करने के भाव से कार्य करेगा तो फिर क्या होगा,
भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? 7,000 करोड़ रुपए ऑफिशियली, कितने? 7,000 करोड़ रुपए ऑफिशियली भारत में पहुंचाए गए हैं ऐसे मार्गों से, जिन मार्गों को भारत के अंदर सुविधा और सेवाओं के लिए बनाया गया था, उन मार्गों से 7,000 करोड़ रुपए भारत आया, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, हिंदू धर्म की नींव को नष्ट करने के लिए लगाया गया है। इसी में आपने देखा होगा ना कि जैसे ही भारत में सुधार का कुछ कार्य होता है, उदाहरण के लिए अभी 5 दिन पहले एक सुधार हुआ था, उस टाइम पर वो नरेंद्र नाथ जी थे और इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी है, नमो नमो, है ना, नमो अगेन 2024 में फिर से कौन कौन देगा वोट? बस इतने लोग ही वोट देंगे क्या? जो 18 से ऊपर के है वो, अरे एक साथ खड़ा करो तो मुझे खुशी होगा। हाँ ये, हाँ ये देखो दीदी, आप भी देंगे ना? तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो सुधार जैसे ही होता है तो ये जो 7,000 करोड़ रुपए आया है ऑफिशियली, गलत रूट का इस्तेमाल, रूट सही रूट का गलत इस्तेमाल करके जो पैसा आया है वो लोग तुरंत उछलने लगते हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ था, 5-7 दिन पहले एक सुधार हुआ ना, क्या था, व्हीकल व्हीकल एक्ट में क्या करा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ड्राइवर को क्यों 10 साल के, क्या दुश्मन है क्या मोदी जी उनके, बताइए मुझे दीदी, क्या तबीयत खराब हो गई क्या दीदी का? अरे बेटे ना, हाँ बसा बसा क्या है? ये तो क्या सास बहू बेटी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप, अरे कोई बात नहीं, काल देख लेंगे अपन, ऐसे बहुत सारे कॉल आते बेटे आप तो नहीं, नहीं ऐसे देखो आप सुनेंगे तो अच्छा होगा घर में बैठिए। अब मैं क्या बोल रहा था कि ड्राइवरों के व्हीकल एक्ट से, क्या ड्राइवरों को मोदी जी क्या दुश्मन है क्या, क्यों जन्मजात दुश्मन थे क्या मोदी जी? और ड्राइवर क्या आप और मैं ड्राइवर नहीं है क्या? हैं, गाड़ी जो चलाएगा वो सब ड्राइवर है। तो अगर वो कानून बनाया गया तो उस कानून को ड्राइवरों तक गलत तरीके से मैसेज पहुंचाकर कि ड्राइवरों को तो सजा दे देंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, भ्रांति फैला करके देश में क्या कर दिया था, हाँ हड़ताल कर रहे थे। और मैंने तो मेल डाले, फिर हमने, हमारी टीम ने पीएमओ को कि इसको आप कर दो कानून को, लेकिन अप्रैल में कर दो, अभी राम जन्मभूमि आने वाला ना, राम मंदिर का, तो वो दो दो काम उनके हाथ में आ गए थे। वो लोग तो रास्ता देख ही रहे थे कि कैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न बाधा डाली जाए। और आपको बड़ी जानकारी देता हूं कि इसके लिए उन्होंने फंडेड, क्या फंडेड लोग तैयार करके छोड़ रखे समाज में, और वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तो मुहूर्त ही सही नहीं है, फलाने मास में तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्या डॉक्टर साहब, हाँ हाँ कई लोग घूम रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे लोगों में, मतलब वो है ना एक एक मुहावरा है, क्या बोलते हैं, रंग में, हाँ तो ये भांग पी पी करके नशे करके अफीम चाट ली, पता नहीं क्या कर लिया, और इस 550 साल बाद रामलला भव्य तरीके से भव्य महल में उनके जा रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सही मुहूर्त नहीं है। तो मैंने वो एक को फोन करा, मैंने कहा आपने तो अभी पोस्ट डाला है कि सही मुहूर्त नहीं है, मैंने कहा रामलला जिस टाइम जाएंगे रात को अगर 12 बजे वहां जाएंगे तो वो ही शुभ मुहूर्त हो जाएगा, रामलला को मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अरे भगवान को कोई मुहूर्त की जरूरत है क्या, जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत भगवान को। और फिर भी काशी के सबसे बड़े विद्वानों के जो चीफ है उनके द्वारा वो निकाला गया है मुहूर्त। लेकिन देखो क्या, जब नाश मनुज पर छाता है क्या होता है, तो पहले क्या मर जाता है,
हाँ ये कितने ज्ञानी लोग हैं सब। ओ हमारे इनके हाथ के मोमोज बहुत टेस्टी बनाते हैं, हाँ है ना मोमोज वाले है ना। हाँ जी हमारी धर्म धर्म योद्धा हैं, बड़ी अच्छी लड़ाई झगड़े भी कर लेती हैं वो देशद्रोहियों से। फिर मैं विषय पर आ जाता हूँ कि ऐसे कैसे फंडेड लोग भी घूम रहे हैं। नहीं हाँ नहीं फिर अगली बार भी आएंगे ना, ऐसे तो कि आज ही आप ले लेंगे सारा तो फिर अगली बार क्या करेंगे। अगली बार भी लेने के लिए जगह होना चाहिए, डाइजेशन इतना मजबूत नहीं ना हिंदुओं का। हाँ अभी दीदी तो अभी जा रहे थे बाहर, सुनने की ये आया कोई आरएसएस का महाराज ये वोट डलवाना आया मोदी जी को ये लेक्चर तो अलग चीज है। मैं फिर विषय पर आ जाता हूँ कि हमारे देश के अंदर तोड़ने के लिए पैसा दे करके ऐसे लोग छोड़े गए हैं, तो इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। राम लला के मंदिर के अभियान को सफल होते हुए हमारी आंखें देख रही है, हम मौजूद हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं है। तो हम सभी को तो आनंद मनाना है, मिठाइयां बांटनी है। दूसरी दिवाली आएगी 22 जनवरी को, और 22 जनवरी का दिन दिवाली बनने वाला है, पता है बहुत बड़ा काम हो गया है। और जिस दिन 22 जनवरी को रामलला मंदिर में जाएंगे उसी दिन से देखना आप भारत का विश्व गुरु बनने का जो मार्ग है वो तीव्रता के साथ हम पार करते हुए हमारी उस स्थान को प्राप्त करेंगे जहां भारत माता बैठा करती थी और विश्व का क्या करती थी, मार्गदर्शन करती थी। जी जय। और जो भारत माता को ना माने उसको भगवान तू ले। हाँ तो जो भारत माता को मानता नहीं उसकी जरूरत नहीं है ना। अभी बहुत सारे लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं गाते थे, मैं कहता हूं कि 2026 में वो लोगों से मैं महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत पढ़वा दूंगा। बावन मिनट का राष्ट्रगान में खड़े नहीं होते ना, मैं उनसे 52 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़वा दूंगा। आप चिंता मत करो, ये होने वाला है, सबकी घर वापसी होगी, सब घर में आने वाले हैं। जो गए थे घर से उनको कान पकड़ के लाएंगे, जो कान पकड़ के नहीं आएंगे उनको प्यार से ले आएंगे, लाएंगे ना लेकिन घर के अंदर लाएंगे, आप चिंता ना करें। देश बदल रहा ना, बदल रहा कि नहीं? कई लोग पाकिस्तान के जो भारत में घुस जाया करते थे वो आज पाकिस्तान में अपने घर में नहीं घुस रहे, अंदर होटलों में रह रहा। हाफिज सईद कई दिनों से अपने घर के अंदर नहीं गया। हाँ उसका बर्थडे था, क्या था, और बर्थडे के थोड़े ही दिन पहले उसके घर के आगे विस्फोट हो गया। तो हमने देखा कि इसके बर्थडे के इतने दिन पहले, तो मालूम पड़ा कि उस दिन अजीत डोभाल जी का बर्थडे। तो किसी ने गिफ्ट दे दिया होगा, और वो अजीत डोभाल जी तो इस संस्था के प्रमुख रहे हैं, तो फिर एक इधर भी बैठे हैं। ये जबलपुर में नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन कोई जबलपुर का आड़ा टेढ़ा होगा तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग हैं, है कि नहीं, एक हैं। और आज हम इस मंच पर बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन अगले टाइम हम करेंगे, एक अलग मंच तैयार करेंगे। फिर मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ कि हमारा देश महान काय से बना था। काय से बना था? ताजमहल से बना था क्या? फिर काय से बना था? धर्म से। तो किसके घर में वेद है बताओ? अरे वेद किस किस के घर में बताओ ना फिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब अगली बार मैं आऊं तो सबके घरों में वेद होना चाहिए, और वो वेद पे वो काका चादर लपेट के और उसको आलिया में रख, आलिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो खोपचे में रख के उसके ऊपर अगरबत्ती मत लगा देना, उसको पढ़ना। महाभारत मैनेजमेंट का एक बहुत प्यारा ग्रंथ, और भारत में क्या अंधविश्वास फैलाने के लिए कर दिया, जिसके घर में महाभारत होगी उसके घर में महाभारत हो,
तो लोगों ने महाभारत पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि उसमें से तो गीता निकली, बताओ। तो जब गीता को घर में रखने से महाभारत होने वाली बातें फैलाई जाएगी और हिंदू मानने लग जाएगा कि महाभारत रखने से महाभारत होगी, अरे ये भी तो हो सकता है महाभारत रखने से कृष्ण का ज्ञान आपके अंदर आएगा, लेकिन कृष्ण का ज्ञान तो नहीं आया। हाँ, उसकी ज्ञान की कमी के कारण हम लोग गाने पे क्या नाचने लग गए, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचना है। बताओ तो श्याम कब चूड़ी बेचने आया था, उनको टाइम नहीं था चूड़ी बेचने आई है श्याम, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, बता। गीतकार को पकड़ूंगा मैं इसको, तेने किससे कहा के ग्रंथ में पढ़ा कि मनहारी का भेष श्याम ने बना रो चूड़ी बेचना है, और कहा तो चूड़ी बेची, बता तो कौन से ग्रंथ में लिखा कि चूड़ी हरी नहीं पहनू लाल नहीं पहनू। तो ये हिंदुओं में कैसे हुआ, वेद नहीं पढ़े, महाभारत नहीं पढ़ी, ग्रंथ नहीं पढ़े, संहिताएं नहीं पढ़ी, और जब नहीं पढ़ा तो फिर जो माथे पड़ा उसको ही गढ़ लिया। हाँ, जो मिलेगा उसको ही ले लोगे ना आप, तो फिर तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, नहीं तो कोई भी लाल बुझक्कड़ आएगा, हाँ, और क्या कर जाएगा वो लाल बुझक्कड़ की, वो हाथी वाली देखी कि नहीं, हाथी निकला था तो लाल बुझक्कड़ को बुलाया, बोले ये देखो तो ये क्या है ये, तो लाल बुझक्कड़ ने बोला कि ये तो हिरण शायद पांव में चक्की बांध के कूद के गया है। तो ऐसे ही हमारे धर्म को समझा दिया आपके बीच में तो, और हम लोगों ने मान लिया, तो करोगे क्या ऐसे, नहीं करोगे तो पढ़ना चालू करोगे। अब मैं आपकी दूसरी समस्या आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप बोलोगे कितनी समस्या बताओगे, वेद कहाँ से खरीदोगे बताओ जरा, नहीं नहीं लेकिन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो फिर लिए क्यों नहीं अभी तक। जब पता है कि वेदियां मिल जाएंगे तो फिर लिए क्यों नहीं मेरे दादा, कसा साटी तुम्हें घेत लेना ही, क्यों नहीं लिया आपने ले। हाँ, अभी मैं जगह ने आया ना, मैं हिंदू जगह ने आया तो आपको वेद खरीदना है पढ़ना है दादा बसाने, तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम सभी को हिंदुत्व का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे टिकटॉक की रील के चक्कर में मेंटल हो जाएंगे। और आज के इस व्याख्यान को मैं विराम करता हूं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ग्रोवर साहब फिर करवाएंगे। हाँ, ये मैंने एंड नहीं करा है, ये पार्ट वन पूरा हुआ है, अभी पार्ट फिर ग्रोवर जी पूरी टीम फिर से कराएंगे ना, कब कराएंगे हम, बहुत जल्दी। किस किस को बुरा लगा मेरा बोलना, नहीं कांग्रेसियों को लग सकता है, यहाँ तो नहीं है, वो YouTube पे लाइव चल रहा है ना, फेसबुक पे रहेगी ना, 2024 के इलेक्शन के पहले मैं फिर आ जाऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम करेंगे और हम सभी संकल्प लेंगे कि हमारा समाज जो जातियों में बढ़ गया है उसको हम फिर से जोड़ेंगे और पुनः माँ भारती को विश्व गुरु बनाएंगे। दोनों हाथ हम खड़े कर लें, हम सभी भारती मन से ये संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार के हिंदुत्व के ऊपर हो रहे आघात को नहीं सहेंगे। हम हमारे देश में जातियों के आधार पर होने वाले वैमनस्य को खत्म करके हिंदुत्व का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, कोई भी काम जब आरंभ किया जाता है तो वो बीज रूप में होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसको अच्छे से सहेजा जाता है, उसका देखरेख किया जाता है तो वो विशाल वट वृक्ष बन जाता है और वहाँ से फिर उसका उन्नति और प्रगति
तीव्रता से होने लगता है। इसी प्रकार से अभी अभियान हम लेकर के चले हैं, अभियान को आप लोगों की देखरेख और सहजता चाहिए। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इसके फाउंडर मेंबर बनेंगे। साथियों, आज हम गुरुकुल को बनाने के फर्स्ट स्टेज में हैं, अभी हम फर्स्ट स्टेज में हैं। इस समय आप गुरुकुल मठ और इस मंदिर और एक विशाल विराट ग्रंथालय, जहां बिना किसी करप्शन के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी मिलावट के साथ आपके पास पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी, निशुल्क पुस्तकें आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे एक विशाल ग्रंथालय का हम निर्माण करने के लिए लगे हुए हैं और उसी के कार्य के लिए आप सभी से मैं सहयोग चाहता हूं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप इस समय फर्स्ट स्टेज में सहयोग प्रदान करेंगे तो हमारा यह गुरुकुल, हमारा यह मठ और हमारा यह मंदिर, हमारा अपना नहीं, मेरा नहीं, हमारा मतलब सभी सनातनियों का, और इसके मठाधिपति हमारे महादेव हैं, मैं नहीं है, हमारा कोई सन्यासी नहीं है, मठाधिपति पीठाधीश्वर इसके महादेव रहेंगे। और हर हर महादेव के मंत्र के साथ मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इसके सभी आप सभी संस्थापक सदस्य बने, ताकि परमात्मा के इस पवित्र कार्य को सफल होने में अधिक समय ना लगे। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप सहयोग प्रदान करें और इस अभियान को बल प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हम अधिक से अधिक वेग के साथ, गति के साथ इस कार्य को, अभियान को सफल करा करके भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर और हम हमारे समस्त आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की एक नींव रखेंगे। आप सभी से मेरा बहुत बहुत यही निवेदन है कि हमारा साथ दें, सहयोग दें। यह सनातन का विराट मंदिर इस भारत के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेगा और कार्य कर रहा है अभियान। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इसके संस्थापक सदस्य बने। संस्थापक सदस्य बनने के लिए आप जानकारियां 9833631184 इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। याद रखें, आप सभी स्मृति रखें कि व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं, हम रिसीव करेंगे और इस पर आपको अधिक जानकारी मिल पाएगा और आप हमसे अभियान से जुड़ पाएंगे। आप सभी का यह अभियान है और आप सभी इस अभियान के सदस्य हैं, आप ही इसके कर्ता धर्ता है। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू।